राखी सावंत की आई जया सावंत का निधन हो गया दोस्तों। जी हाँ, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि 28 तारीख को 28th ऑफ जनवरी को राखी सावंत की माँ हमारा साथ छोड़ के चली गई। आंटी जी को कैंसर था। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि उन्हें ट्यूमर हो गया था, जिसके चलते पूरे शरीर में कैंसर फैल गया था। सिटी केयर हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा था। और आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर राखी शादी के बाद आदिल दुरानी के साथ भी पहुँची थी, और वो ये भी कहती कि मम्मी मम्मी देखो आपका जवाई आया है। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि राखी सावंत, जो कि अपनी माँ से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थी, बिग बॉस के घर में, अगर आपको याद होगा तो जब रुबीना दिलैक वाला सीन था, उस दौरान राखी सावंत ने अपनी माँ को बहुत मिस किया था। फिर उसके बाद अगर आपको याद होगा तो राखी सावंत ने रिसेंटली बिग बॉस मराठी भी किया था, जहाँ पे उन्होंने अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस किया था और कॉल पे बातचीत भी करी थी। अब राखी सावंत की माँ उनके साथ नहीं है दोस्तों। आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि राकेश सावंत, जो कि उनके बड़े बेटे हैं, राखी के भाई हैं, जो कि एक डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं मराठी फिल्मों के, उन्होंने राखी सावंत का साथ निभाया है। आपको बता दूँ तो कुछ फुटेजेस आए हैं कि हॉस्पिटल से उनकी डेड बॉडी को घर, उनके पार्थिव शरीर को लेकर जाया जाएगा दोस्तों। और आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि पार्थिव शरीर को घर पे रखा जाएगा और 29th को प्रॉपर हिंदू रीति रिवाज के साथ उनका क्रियाकर्म होगा। दोस्तों, आपको बता दूँ तो राखी सावंत जो हैं वो अभी इस वक्त मुसलमान बन चुकी हैं, फातिमा बेगम बन चुकी हैं वो, फातिमा आदिल खान दुरानी बन चुकी हैं वो। और ऐसे में राखी सावंत अब उनकी माताजी का जिस तरीके से अंत्येष्टि होगी, क्या उसमें वो शामिल होंगी या फिर कुछ एक अलग ही मीडियम निकाला जाएगा, हमें नहीं पता। हैरत की बात है कि आदिल कहीं दिख नहीं रहे थे। जी हाँ दोस्तों, हॉस्पिटल से कुछ फुटेजेस सामने आए हैं जहाँ पे राखी सावंत रोते रोते नजर आई हैं, रो रो के उनका बुरा हाल है, और उनके माँ का पार्थिव शरीर जो है साथ में है उनके। अब मुंबई गोरेगांव में जहाँ उनका घर है, वहाँ लेकर जाया जाएगा राखी सावंत की माँ को, उनके उनकी उनकी बॉडी को दोस्तों। और उसके बाद कल सुबह उन्हें जो है शमशान भूमि ले जाके जला दिया जाएगा। टेली खजाना की टीम की तरफ से मैं राहुल भोज हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूँ, साथ ही साथ राखी को इस संकट से जो है कहीं ना कहीं ताकत मिले, मैं ये चाहता हूँ, और उनकी माँ की आत्मा को शांति मिले, ये भी मैं चाहता हूँ। ओम शांति।